हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, फेसलिफ्ट किया सोने 2024 का एक और कमाल का वेरिएंट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ये है HTX IMT वेरिएंट। इसकी प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा और इसके एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं एक एक करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रंट प्रोफाइल काफी स्टनिंग रहने वाला है दोस्तों, काफी कुछ बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हेडलैम्प यूनिट में काफी कुछ बदलाव किया गया है। LED डे टाइम रनिंग लाइट जो कि सीक्वेंशियल है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर और क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। हेडलैम्प यूनिट नीचे कंटिन्यू करता हुआ यहाँ पे आपको दिया गया है। फॉग लैम्प जो की LED में ही प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और टर्न इंडिकेटर की पोजीशन यहाँ पे है दोस्तों, कुछ इस तरह दिखाना चाहूंगा। फ्रंट ग्रिल टाइगर नोज ग्रिल दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में, और उसके बॉटम में दिया गया है क्रोम फिनिश नर्लिंग पैटर्न के साथ। किया का लोगो बोनट के बीचों बीच दिया गया है एडम ब्लैक कलर में, और स्किट प्लेट आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके SUV स्टांस को बढ़ा देते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। इस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है। इससे नीचे वाले वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। 16 इंच के ड्यूल टोन व्हील कवर के साथ स्टील व्हील आते हैं। व्हील साइज है 215/60R16। ऑटो फोल्ड के साथ ORVM बॉडी कलर LED टोन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में फ्रंट में वाइपर दिया गया है। रूफ रेल आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है। इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है। बी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में ही दिया गया है। सबसे अमेजिंग इसका रियर प्रोफाइल है दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर आपको दिया गया है शॉक फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर भी दिया गया है, लेकिन रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। और न्यू किया सोनेट में बहुत ही शानदार LED कनेक्टिंग टेल लाइट किया गया है जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है सेल्टोस की तरह ही। और कुछ इस तरह का यहाँ पे ब्रेक लाइट, टेल गेट के लेफ्ट साइड सोनेट की बैजिंग, राइट साइड TZDI जो कि इंजन को दर्शाता है दोस्तों, और रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। साथ में आपको यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह ड्यूल टोन रियर बम्पर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्किट प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया, रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है। कुछ इस तरह का की यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग सेल्टोस की तरह ही। कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है ओपन करते ही, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, जी हाँ दोस्तों, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, ORVM के कंट्रोल दिया गया है, लेदर टच दिया गया है, बहुत ही अमेजिंग। 4 स्पीकर 2 ट्विटर दिया गया इस वेरिएंट में। नीचे आपको स्पीकर और यहाँ पे आपको सैटिन सिल्वर फिनिश, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, बहुत ही शानदार डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही प्रीमियम कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, और नीचे डेड पैडल दिया गया है जैसे कि IMT वेरिएंट है। यहाँ पे आपको क्लच पैडल नहीं दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया, ड्यूल टोन लेदराइट सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है, काफी अमेजिंग फीचर्स। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। आर्मरेस्ट दिया गया है जिसके नीचे स्टोरेजेस आपको मिल जाते हैं, जिसके आगे 2 कप होल्डर, सैटिन क्रोम फिनिश में आपको दिया गया है हैंड ब्रेक, 6 स्पीड IMT गियरबॉक्स दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चारों ओर आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, USB पोर्ट आपको, सी पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जर, और साथ में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वर्टिकल AC वेंट, 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, AUX एंड USB को, साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा गाइडेंस के साथ दिया गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, और MID दिया गया है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। 3 स्पोक टिल्टेबल मल्टी फंक्शन लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसके लेफ्ट साइड ऑटो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए हैं, और राइट साइड दिया गया पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेबलर, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, और वर्टिकल AC वेंट, जिसके ऊपर क्रोम फिनिश दिया गया है। जस्ट सफिशियंट जगह दिया गया है यहाँ पे ग्लोव बॉक्स में। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है, सेंटर में दिया गया है सनग्लास होल्डर, साथ में आपको यहाँ पे वन टच आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है, बहुत ही शानदार इस वेरिएंट में। वन टच आप क्लोज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह, और कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में। ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया है, और डे नाइट IRB मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो
ओपन कर लेते रियर डोर और यहाँ पे भी आपको पावर विंडो के कंट्रोल ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन लेदर टच दिया गया और एक बार यहाँ पे आपको कर्टेन दिया गया, प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया, सेटिन सिल्वर फिनिश डोर लॉक पे और नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर दिया गया है, फ्रंट में आपको ट्वीटर्स मिल जाते हैं और बहुत ही शानदार टच, बहुत ही प्रीमियम लगता है ये वेरिएंट। चलिए रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, आर्मरेस्ट दिया गया है 2 कप होल्डर के साथ। और इसके अलावा यहाँ पे आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ, रियर एसी वेंट प्रोवाइड किया गया है, चार्जिंग सॉकेट दिया गया है सी पोर्ट के रूप में और यहाँ पे दिया गया कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट, चारों ओर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है और यहाँ पे कोट हुक भी दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ का आनंद ले सकते हैं और कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में, लेग रूम काफी शानदार डिसेंट दिया गया है, हेडरूम भी काफी अमेजिंग जिसके लिए बिग थम्स अप। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बूट गेट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है जिसको हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं और 385 लीटर का बूट स्पेस और पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, 60-40 का ऑप्शन रियर सीट में इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को, बूट लैंप दिया गया लेफ्ट साइड और जस्ट इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बूट गेट के इनर साइड ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं बूट गेट को। और इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है PS6 सेकंड स्टेज RDNE20 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर TGDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 118 bhp की पावर एंड 172 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 18.70 kmp की माइलेज। वहीं हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किया सोनेट फेसलिफ्ट 2024 में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा इस वेरिएंट में मिलते हैं ABS/DVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, 3-पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रिटर्नर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों किया सोनेट 2024 STX IMT वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।